आलोक शर्मा जी मुझे बताइए, आपने भले से टूलकिट से इनकार कर दिया हो, पर क्या आपके नेताओं ने ठीक वैसी वैसी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं की? आपके नेताओं ने ठीक वैसी वैसी मदद नहीं की जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है भाई टूलकिट का अमलीकरण तो आपके लोगों ने किया है, आपके आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स ने किया है, आपके नेताओं ने किया है? देखिए दीपक जी, मैं पिछले 20 शो आपके उठाऊं और इसी तरह का एक पत्र बना दूं तो क्या वो टूलकिट बन जाएगी क्या? जो कुछ चीज हो गई वो तो पूरे पब्लिक डोमेन में है, उसको रिजेम्बलेंस कभी भी कोई भी किसी भी चीज से कर सकता है। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरा प्रश्न जो आपने प्रेम शुक्ला जी से पूछा था, मैं भी वही कहना चाहता हूँ। कल सीबीआई पूरे दिन छाई रही, आज फेक न्यूज पूरे दिन छाई रही। मकसद यह है कि जो आज 4300 से ज्यादा हाइएस्ट डेथ हुई है, उससे कैसे मन को, पूरे देश के ध्यान को भटकाया जाए। ये बीजेपी ने बहुत अच्छा मौका छोड़ दिया, चूक गए लोग। देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रही कांग्रेस, टूल किट बना रही थी कांग्रेस, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, और ये लोग पकौड़े चल रहे थे। अरे भाई, मीडिया की शरण में क्यों गए आप? आपको तो चाहिए था कि आप FIR कराते कि साहब ये आया है टूल किट, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताते कि टूल किट जो है कहां से प्राप्त किया आपने, कौन से मेल से आया, कहीं चिट्ठी मिली, कहां से मिला आपको भाई ये? आपके कांग्रेस के कार्यालय से मिला, कांग्रेस के किसी आदमी से मिला, किसी फॉरेन मीडिया से मिला, कहां से मिला? आपको FIR करानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं कराई, कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई और हम FIR करने गए। अभी तक FIR क्यों नहीं हुई? 10 घंटे हो गए, दिल्ली पुलिस तो आपके अंडर है। ये तो कांग्रेस को फंसाने का बहुत अच्छा मौका आपने मिस कर दिया कि भाई कांग्रेस FIR कराने गई लेकिन कांग्रेस झूठी इंफॉर्मेशन लेकर आई, हमारे पास सच्ची इंफॉर्मेशन थी, तुरंत 1 घंटे में FIR करनी चाहिए थी। आपको याद होगा दिशा रवि और टूल किट शब्द वहीं से फेमस हुआ था। किसने FIR कराई? कांग्रेस ने तो नहीं कराई थी, सरकार ने की थी, उसका क्या हुआ? चाहे वो पहली डेट पे उसको जमानत मिल गई। अरे भाई, पोस्टर लगाने पे 17 FIR हुई, 17-25 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी साहब की इमेज खराब कर दी, और उसके बाद भी FIR नहीं हो रही 10 घंटे से। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि ये एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। आप ये देखिए कि आज एक मौका बीजेपी ने देश की जनता के सामने खोया है कि सच्चाई सामने आती, और ये आज का ही इवेंट मैनेजमेंट है, बस आज का हेडलाइंस मैनेजमेंट है। ये न्यूज कहीं नहीं मिलेगी दीपक जी, आपको कहीं पर भी किसी पर भी नहीं मिलेगी। पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में कांग्रेस प्रधानमंत्री की इमेज खराब कर रही है, छवि खराब हो रही है देश की। अरे देश की छवि उससे खराब नहीं हो रही है जब मोदी जी तमाम झूठ बोलते हैं और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ऑक्सीजन से सैकड़ों लोग मर गए, नदियों के किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, संगम की रेती पे मुर्दों का मोहल्ला जमा हुआ है, वैक्सीन का कोई प्लान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना के देता है, फॉरन मीडिया लिखता है देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या, और अब तो देश का मीडिया भी थोड़ी सी हिम्मत करने लगा है, तब छवि खराब नहीं हो रही है। आप मुझे केवल इस बात का उत्तर ले लीजिए पूरे शो में दीपक भाई, कि 8 घंटे 10 घंटे हो गए, कांग्रेस ने इतना बड़ा कांड कर दिया और अभी तक FIR क्यों नहीं हुई है? ये तो तुगलक लोग SHO को सस्पेंड कर देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं किया आपने अभी तक? आप इतने बड़े कांड के बाद भी FIR तक लॉज नहीं कर रहे, कंप्लेंट लेके आप चुपचाप बैठ गए, लेकिन हम चुप नहीं बैठे, जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं, और हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। और प्रेम शुक्ला मेरे भाई, ये बता के जाएं कि टूल किट इनको कहां से मिली। ठीक है।